हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्यौहार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो इस दोष को गुरु दोष के नाम से जाना जाता है। गुरु दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शिक्षा में बाधा, नौकरी में अस्थिरता, विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में कठिनाई। जिसकी कुंडली में गुरु दोष होता है उसे गुरुवार के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही इस दोष के प्रभाव को कम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे में ज्योतिषाचार्य के अनुसार गुरु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय किए जाएंगे तो आपके जीवन में खुशी आएंगी, जिसके बारे में आपको जानना भी बेहद जरूरी है। आपको सबसे पहले बता देते हैं कब है गुरु पूर्णिमा की तिथि, ताकि आप जो भी उपाय आपको बताए जाएं गुरु दोष को कम करने के लिए वो आप कर सकें। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 21 जुलाई के दिन ये त्यौहार मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई शाम 5:59 से होगी। वहीं इसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। अब गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं। अब गुरु पूर्णिमा आने ही वाली है तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं। ये सारे उपाय ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए गए हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, दाल, चना, घी, गुड़ आदि दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद अपने गुरुजनों को पीले रंग का वस्त्र दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करके उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। गुरु यंत्र को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उस पर चंदन, हल्दी, कुमकुम और गंगा जल से स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। इसके बाद गुरु यंत्र मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी गुरु मंदिर में जाकर दर्शन करें और भगवान बृहस्पति की आरती उतारें। मंदिर में गुरु ग्रह से जुड़ी वस्तुओं जैसे कि पीले फूल, फल, मिठाई, दाल, चावल आदि का दान करें। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करें और केले का प्रसाद जरूर अर्पित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग ये विशेष जानकारी ले सकें। जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अन्य धर्म से जुड़ी जानकारी आपको यहीं मिलेंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।